गाइस, ये है अपना इंडिया गेट। आई होप आपने देख लिया होगा अच्छे से। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय प्रफुल्ल शर्मा ब्लॉग। सो गाइस, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से, दिल्ली टू बिहार। मैंने काफ़ी लोगों को नहीं बता रखा था मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, बट मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और आज वो भी सुन के शायद शौक हो, क्योंकि उनको नहीं बताया था मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। और फाइनली मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ और अब मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कैब की, और गेट वेट बंद कर दिया है और अब हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कैब की। कैब 5 मिनट दिखा रहा है यहाँ से आने में। सो आते हैं और चलते हैं, फिर मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा कैसे क्या है और ट्रेन में क्या क्या चीज़ खाने के लिए अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा और कितना जाने में टाइम लगता है क्या कुछ है। तो चलते हैं, सामान वामान पैक हो चुका है और अब हम जस्ट वेट कर रहे हैं कैब आने की। कैब दिखा रहा है यहाँ से 5 मिनट का, अभी फ़ोन किया था भैया को, वो बोल रहे हैं 5 मिनट में आ जाऊँगा, तो इतना वेट करते हैं और फिर मैं आपको दिखा लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। सो फाइनली गाइज, मैं बैठ चुका हूँ कैब में और अब मुझे यहाँ से हाफ एन आवर और लगेगा जाने में, तो चलकर मैं आपको फिर दिखाता हूँ। सो गाइज, मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ इंडिया गेट और अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से इंडिया गेट, कि अभी 26 जनवरी को लेकर काफ़ी सारी तैयारी व्यारी चल रही है, तो दिखाता हूँ आपको। गाइस, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे है, पुलिस वगैरह कैसे खड़े हो रखे हैं यहाँ पे, सारा सारा कुछ तैयारी व्यारी चल रही है 26 जनवरी को लेकर, चेकिंग वेकिंग भी चल रही है। ये आप देख सकते हो इंडिया गेट, ये रहा इंडिया गेट, ढक रखा है इन्होंने। और देखो, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा दूँ, ये राइट साइड में यहाँ पे है, आगे से अभी इन्होंने वो कर रखा है क्योंकि 26 जनवरी है ना, तो इसको लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह टाइट कर। आपको जो चीज़ भी मिलेगा मुझे रास्ते में, वो आपको सब कुछ मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। और गाइस, ये है अपना इंडिया गेट, आई होप आपने देख लिया होगा अच्छे से। और अभी इधर की साइड आप देख सकते हो, आप सारे कुछ आ रहे हैं यहाँ पे दिखाने के लिए, आपको सारा कुछ कवर करूँगा, आपको दिखा दो। और ये आप देख सकते हो, ये हमारा पार्लियामेंट है सामने, इधर के साइड भी आप देख सकते हो कितना पुलिस वगैरह सारे खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी एक्टिव है। ये है कैनोट प्लेस, अभी मैं बाहर की साइड ही हूँ, अंदर एंटर करूँगा और आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। यहाँ पे कपड़े का बहुत बड़ा मार्केट है, काफ़ी ऑफिस भी, काफ़ी बड़ी बड़ी ऑफिस भी है यहाँ पे। और ये भाई भी यहीं से है, दिल्ली से, हाय कर दो। सो 20 मिनट और समय ट्रेन आने, भाई पहुँच गए, यहाँ से निकलते ही था, लोगों को जरूर दिखाया करो जो बोर्ड आते हैं ना रास्ते से, क्या लोगों को थोड़ा मजा। ये SCP आप देख सकते हो, यहाँ पे मोस्टली जो बिल्डिंग है वो सारे सेम होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारे काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे ब्रांडेड शॉप्स हैं, आप देख सकते हो शोरूम्स वगैरह काफ़ी है, देख सकते हो आप, जो भी आपको दिखाई देगा सेम कलर सेम बिल्डिंग, आपको पता ही लगेगा। आप सबसे बड़ा LIC का ऑफिस है वो यहीं पर SCP न्यू दिल्ली ही अपना। सो गाइस, आप देख सकते हो ये है पालिका बाजार, और इधर ये पार्क है पालिका बाजार, देख सकते हो यहाँ पे सामने अपना इंडियन फ्लैग, काफी मस्त एरिया है भाई। भाई संडे को देखना कभी यहाँ आना दिल्ली के अंदर, तो रेलवे स्टेशन भी है, बाकी ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। अच्छा, और यहाँ पे और यहाँ की क्या खास बात है? यहाँ की खास बात ये है कि ये सबसे बढ़िया एरिया है, शांत एरिया है, किसी को भी घूमना हो यहाँ पे आके कुछ भी खाना हो तो यहाँ 24 आवर अवेलेबल है, लाल तो कोरोना की वजह से नहीं है, लेकिन पैकेट में पैसा होना चाहिए, पॉकेट में पैसा होना चाहिए। सो गाइस, जैसा कि भाई बता रहा है आपको, फोटो वगैरह या जितनी वीडियो शूटिंग वगैरह होती है वो मोस्टली जो कनॉट प्लेस में ही शूट किया जाता है, और ये काफ़ी क्लीन और काफ़ी ब्यूटीफुल है, सबसे साफ सुथरा एरिया है दिल्ली का।
आपको मैं सेम कलर की बिल्डिंग है, सारी सेम कलर की है, जो भी आपको बिल्डिंग देगा वो सेम कलर की देगा, इधर भी वाइट वाइट में ही, जो भी वाइट का है वाइट में ही है, और जो ब्रांडेड एक से एक शॉप है, रेलवे हॉस्पिटल है। भाई जो बाहर चीज मिलेगी ना अब वो चीज दिल्ली में भी मिलेगी आपको, हाँ, जो क्लियरिटी बाहर जाके मिलती है ना हम लोगों को जो देखने को नहीं मिलता वो भी यहाँ मिलेगी। यार ये काफी बड़ा है, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है ये कनॉट प्लेस। हाँ। ये मिंटो रोड है, यहाँ पे नीचे नीचेगा यहाँ पे बस जो है डूब गई थी, उसके अंदर 2-3 जनों की मौत हो गई थी, गाड़ी पानी भर गया था यहाँ पे पिछली बार बारिश के अंदर। अच्छा, ये गाड़ी है हमारा जो कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखाती है, बताती है। फाइनली गाइज मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मुझे जाना था, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट के साइड में एंटर करने वाला हूँ, और फिर मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा जो मेरा ट्रेन है, और वो ट्रेन आने वाली है, बस 10 मिनट और दिखा रहा है अभी, तो आपको अंदर से भी दिखाऊंगा आपको क्या क्या चीज़ मिल रहा है खाने वाने को लेकर, और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। सो रेलवे स्टेशन, तो और फाइनली गाइस मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूँ, ये एंट्री गेट है न्यू दिल्ली का, और इधर के साइड में ये पार्किंग है जो कि काफ़ी बड़ा है यार यहाँ पे पार्किंग वगैरह, और उधर के साइड में आप देख सकते हो वो एयरवे एक्सप्रेस लाइन है। और अब मैं अंदर चलता हूँ और आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये मैं अजमेर गेट के साइड में खड़ा हूँ मैं, सो चलते हैं और आपको अंदर से सारा कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। सो फाइनली गाइज मैं पहुँच चुका हूँ अपने ट्रेन के पास, ये है मेरे ट्रेन, तो आप पीछे से राइट देख सकते हो, महाबोधि एक्सप्रेस है ये, और ये बस अब खुलने वाली है, और मुझे लग रहा था यार मैं लेट हो जाऊँगा, बट नहीं मैं टाइम पर पहुँच गया। सो गाइज आपको पीछे की साइड से दिखा देता हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ ट्रेन के पास, ये है मेरा ट्रेन महाबोधि एक्सप्रेस, और ये 10 मिनट लेट हो चुकी है, और अब मैं कुछ सामान खाने वाने का ले लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। भाई एक लेस दे दो। सो गाइस ये हमारा खाने का सामान, और घर से कुछ लेकर आए नहीं थे, बस यही खाएंगे हम दोनों, और ये मेरा भाई है आप देख सकते हो, ये पीछे की साइड है। सो हम लोग बैठ चुके हैं, सीट वीट मिल गई है, और अब मैं आपको, सो गाइस ये था हम लोग आगे बैठ चुके हैं ट्रेन में, और हम सब कुछ सामान वामान रख लिया, और अब बस कुछ नहीं, अब आपको खाना हम यहाँ से ट्रेन से ले नहीं रहे क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो इसकी वजह से फिर हम लोग सोचे क्यों नहीं बाहर से ही अपना ले लेते हैं, और कुछ भी खाने वाने का होगा तो स्टेशन पे जैसे रुकेंगे तो वहाँ से ले लूँगा मैं, और बस इतना ही, बाकी आपको आगे दिखाता ही हूँ। सो गाइस ये था कानपुर सेंट्रल, और ये काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से 3 घंटे की और रास्ता है फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। सो फाइनली यार मैं घर पे पहुँच चुका हूँ अपने, और बट काफ़ी लेट हो चुका हूँ बिकॉज मेरी जो ट्रेन थी वो 3 घंटे डिले चल रही थी, और इसके वजह से मैं आपको और 2-3 जगह ऐसी थी जो मुझे दिखाना था बट मैं दिखा नहीं पाया, और एक जो दिखाना था जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है वो जब मैं वो क्रॉस करता प्रयागराज, जो कि 3 नदी का जो संगम है वो गंगा जमुना सरस्वती, और वो मुझे आप लोगों को दिखाना था बट मैं दिखा नहीं पाया बिकॉज़ यार मैं लेट हो चुका था काफ़ी ज़्यादा, और वो फ़ोन से मैं शूट भी करता तो मैं आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए मैं आपको वो दिखा नहीं पाया, बट कोई बात नहीं मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में वो दिखा दूंगा। और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, बाय।